अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की मुख्तलिफ बैंक से सऊदी रियाल का ताज़ा रेट्स लेकर अब बैंक की खिदमत में हाजिर हूँ। आज 20 अक्टूबर 2020 और मंगल का दिन है। आज के हवाले से सऊदी रियाल का ताज़ा रेट क्या चल रहा है और सऊदी अरब की मुख्तलिफ बैंक्स मुख्तलिफ ममालिक के लिए आज एक रियाल का क्या रेट दे रहे हैं, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। तो आज सबसे पहले अल राजी बैंक के बारे में बताएंगे। तो अल राजी बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 42.88 रुपये का, इंडिया के लिए 19.30 रुपये, बांग्लादेश के लिए 22.35 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 30.27 रुपये का। अगर हम बात करें वेस्टर्न यूनियन के बारे में, तो वेस्टर्न यूनियन पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 42.82 रुपये का, इंडिया के लिए 19.27 रुपये, बांग्लादेश के लिए 22.38 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 31.12 रुपये का। इसके अलावा बारी आती है फौरी बैंक का। तो फौरी बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 42.86 रुपये का, इंडिया के लिए 19.25 रुपये, बांग्लादेश के लिए 22.26 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 30.89 रुपये। इसके अलावा हम बात करेंगे एक्सप्रेस मनी के बारे में। तो एक्सप्रेस मनी पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 42.95 रुपये का, इंडिया के लिए 19.30 रुपये, बांग्लादेश के लिए 22.38 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 30.27 रुपये का। इसके अलावा बारी आती है मनीग्राम का। तो मनीग्राम पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 42.92 रुपये का, इंडिया के लिए 19.34 रुपये, बांग्लादेश के लिए 22.25 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 31.02 रुपये का। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं इंजाज बैंक के बारे में कि ये क्या रेट दे रहा है। तो इंजाज बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 42.69 रुपये का, इंडिया के लिए 19.31 रुपये, बांग्लादेश के लिए 22.35 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 31.45 रुपये का। अगर बात हो जाए एनबी टेलीमनी का, तो एनबी टेलीमनी पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 42.93 रुपये का, इंडिया के लिए 19.28 रुपये, बांग्लादेश के लिए 22.30 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 31.02 रुपये। अगर बात हो जाए एनसीबी क्विक पे का, तो एनसीबी क्विक पे पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 42.38 रुपये का, इंडिया के लिए 19.02 रुपये, बांग्लादेश के लिए 22.32 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 30.70 रुपये का। इसके अलावा बारी आती है सऊदी इरसाल का। तो सऊदी इरसाल पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 42.92 रुपये का, इंडिया के लिए 19.25 रुपये, बांग्लादेश के लिए 22.27 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 30.62 रुपये का। अगर बात हो जाए रियाद बैंक का, तो रियाद बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 42.77 रुपये का, इंडिया के लिए 19.36 रुपये। तो दोस्तों इसके अलावा हम बात करने वाले हैं एसटीसी पे के बारे में कि ये क्या रेट दे रहा है। तो एसटीसी पे पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 42.82 रुपये का, इंडिया के लिए 19.27 रुपये, बांग्लादेश के लिए 22.38 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 31 रुपये।